दोस्तों सीएसके में छाई खुशी की लहर, रातों रात भारत पहुंचा तूफानी अंग्रेजी ऑलराउंडर। क्या है खबर की पूरी जानकारी, कौन सा वो खिलाड़ी है जो कि रातों रात पहुंच चुका है इंडिया और सीएसके को ज्वाइन करने के मूड में है वो, तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, कौन सा वो खिलाड़ी है, ये पूरी बात आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स बहुत ही बेहतरीन टीम है, लेकिन चेन्नई का प्रदर्शन इस साल बहुत ही खराब रहा है। अभी तक खेले गए उन्होंने अपने मुकाबले में केवल और केवल उनको दो मुकाबलों में जीत मिली है, 7 में से 5 मुकाबले उन्होंने गंवा दिए हैं। लेकिन दोस्तों उनका अगला मुकाबला जो होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पर पंजाब किंग्स के खिलाफ। पंजाब किंग्स के खिलाफ इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन ठीक ठाक हो सकता है, क्योंकि उससे पहले उसे एक बढ़िया खुशखबरी मिल चुकी है। दोस्तों चेन्नई को अब जीत चाहिए, क्योंकि चेन्नई अगर जीतती है तभी जाके उसके प्लेऑफ में जाने के चांसेस हैं, अदरवाइज चेन्नई का प्लेऑफ में पहुंचना बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी कम है। ऐसे में दोस्तों चेन्नई का एक खिलाड़ी है जो कि उनका पुराना खिलाड़ी रह चुका है, लेकिन वो फिर से चेन्नई की टीम को ज्वाइन कर सकता है। दरअसल दोस्तों हम बात कर रहे हैं सैम करन की। सैम करन पिछले साल चेन्नई के लिए काफी बेहतरीन खेल जुगा चुके हैं, लेकिन इस साल उन्होंने अपना नाम वापस लिया था। पर दोस्तों अब खबरें आ रही हैं कि यहां पर दीपक चहर के रिप्लेसमेंट के रूप में उनको शामिल कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, और अगर डील डन होती है तो उनको टीम में मौका मिल जाएगा, जो कि काफी बढ़िया बात है। आपके हिसाब से क्या इनके आने से टीम सुधरेगी, क्योंकि दोस्तों एक शानदार खिलाड़ी हैं सैम करन, जिस तरह का ऑलराउंड प्रदर्शन ये देते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा बैलेंस प्रोवाइड मिल सकता है चेन्नई सुपर किंग्स को। तो आपको क्या लगता है, क्या सैम करन के आने से टीम सुधर जाएगी, हमें अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और क्रिकेट जगत की सभी छोटी मोटी अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।